देखिए, उपेंद्र जी के प्रति मेरी सहानुभूति है। हम लोगों से काफ़ी उम्र में कम है, हमने उनको पहली दफ़ा वो विधानसभा में चुन के आए उस समय से हम देख रहे हैं। उनके इलाके में हमने मीटिंग वीटिंग भी किया है। अब पता नहीं क्या होता है, हम नहीं जानते हैं कि कहीं भी स्थिरता के साथ वो रह नहीं पाते हैं। अब देखिए, उनके पार्टी का जो बिहार का अध्यक्ष था, उसी ने आरजेडी का लालटेन जो है थाम लिया। अब इसका क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में? आपको बसपा कह दे, मायावती कह दे कि मुख्यमंत्री बन जाइएगा, प्रधानमंत्री बन जाइएगा, उससे तो न कोई मुख्यमंत्री बनता है न प्रधानमंत्री बनता है। आपका ईगो जो है थोड़ा सेटिस्फाइड होता है कि मायावती हमको मुख्यमंत्री मान रही है, लेकिन जो मैसेज जनता के बीच में जाता है, आपके भी जो समर्थक हैं, आपको जो लोग वोट देते, उनके बीच में भी जो संदेश गया कि क्या है भाई, आपका प्रदेश अध्यक्ष चला गया, तो पार्टी के की जो विश्वसनीयता जो भी थोड़ी बहुत उन्होंने मेहनत करके बनाई थी, वो विश्वसनीयता तो खत्म हो गई। इसलिए मुख्यमंत्री की घोषणा उनको बनाए, मायावती जी या प्रधानमंत्री बनाए, उसका कोई अर्थ नहीं है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,